हाय फ्रेंड, अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्केल। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लाए हैं एनसीईआरटी 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं कि f का फंक्शन जो है 1.3.4 से 1.2.5 में है, मतलब कि 1.3.5 का इमेज जो है 1.2.5 सेट में बन रहा है फंक्शन, इसमें टू इसमें। नेक्स्ट है जी वाले फंक्शन का नाम है 1.2.5.2.1.3, यानी कि ये जी फंक्शन है, ये इसका इमेज इसमें बन रहा है। और ये एक का रिलेशन बताया हुआ है कि 1 का इमेज 2 में, 3 का इमेज 5 में, 4 का इमेज 1 में, ये एक बराबर दिया हुआ है और जी बराबर दिया है 1 का 3 में, 2 का 3 में, 5 का 1 में, यानी कि ये जी का फंक्शन का इक्वल दिया है, यानी कि उसका किसमें किसका इमेज बन रहा है वो चीजें दी हुई है। और हमको बोल रहा है कि जी सर्किल एफ निकालिए। अब जी सर्किल एफ कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसका करने का सिंपल तरीका है, पहले आप जो भी जिसका जिसका सेट दिया है, तो 1.3.4 का सेट दिया है 1.2.5 में, ये जो रिलेशन बता रहा है एफ, यानी कि इस सेट से इसमें उस फंक्शन का नाम एफ है, और यही 1.2.5 से 1.3 इसका नाम जी है, 1.3 इसका नाम जी है। और आप देख पा रहे होंगे यहां तक तो हम लोग क्लियर कर लिए कि एफ का फंक्शन और जी का फंक्शन सेट के साथ दिखा दिए। उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि एफ जो फंक्शन दिया है 1.2 का मतलब है कि 1 का इमेज 2 में बन रहा है, तो 1 का 2 में बनाया, 1 का 2 में किसमें, एफ में ही अभी चल रहा है, यानी कि ये जो पूरा सेट है वो एफ का दिया है किसमें किसमें, तो एफ में ही 3 का इमेज 5 में, एफ में 3 का इमेज 5 में, एफ में ही 4 का इमेज 1 में, 4 का इमेज 1 में। और फिर आगे हम लोग अगर नेक्स्ट देखें तो जी वाला का 1.3 में है, तो जी का 1.3 यहां होगा। अब जी में ही 2 का 3 इमेज बनाना है, तो 2 का 3 इमेज बनाया। अब जी में ही 5 का 1 बनाना है, जी में ही 5 का 1, तो जी वाले फंक्शन में 5 का 1। अब हमको जो फाइंड आउट करना है जी सर्किल एफ फाइंड आउट करना है, तो जी सर्किल एफ फाइंड आउट का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को बोलते हैं एक्स, इस पार्ट को बोलते हैं एफ, के अंदर ये एक्स आया तो इसको बोलते हैं एफ एक्स, और ये एफ एक्स जो है जी के अंदर आएगा तो ये वाला पार्ट होगा जी के अंदर एफ एक्स। और हमको जो निकालना है जी सर्किल एफ का मतलब है कि जी सर्किल एफ एक्स ही फाइंड आउट करना है। अब x का वैल्यू यहां से तीनों अलग अलग केस ले सकते हैं, x का वैल्यू 1 लेंगे तो उसका इमेज किस में आएगा, x का वैल्यू 3 लेंगे तो उसका जी सर्किल एफ कितना आएगा, और x का वैल्यू 4 लेंगे तो कितना आएगा। तो यहां से अगर एड x बराबर 1 के लिए अगर काम करते हैं, तो अगर एड x बराबर 1 अगर लेंगे तो अब जो यहां बनेगा जी सर्किल एफ ऑफ 1 बनेगा, और जी सर्किल का मतलब होता है ब्रैकेट, और एफ ऑफ 1 का मतलब है कि एफ में 1 का इमेज कहां, तो एफ में 1 का इमेज 2 में, तो इसके जगह पे हम लोग 2 डालेंगे, तो अब बन गया जी ऑफ 2, और जी में 2 का इमेज कितना, तो 2 का इमेज 3, जी में 2 का इमेज, जी में 2 का इमेज 3, 3 लिख दिया। अब x बराबर तो 1, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि x वाले पार्ट में जितना भी वैल्यू रहेगा सब पे चेक करेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे एड एक्स बराबर 3 पे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप पहले 4 का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, उससे कोई डर नहीं है। तो यहां बनेगा जी सर्किल एफ ऑफ 3। अब एफ में 3 का इमेज, इसका मतलब हुआ कि एफ में 3 का इमेज कितना है, तो एफ में 3 का इमेज 5 है, तो इसके जगह पे हम लोग 5 डाल सकते हैं, मतलब कि बनेगा जी ऑफ 5। अब जी में 5 का इमेज, जी में 5 का इमेज, तो जी में 5 का इमेज 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। उसके बाद हम लोग 3 पे चेक किए, अब हम लोग चेक नहीं सभी वैल्यू निकाल रहे, तो एड एक्स बराबर 4 पे अब देखते हैं, तो 4 पे कितना वैल्यू आता है, तो 4 पे जैसे निकालेंगे तो अब बनेगा क्या जी ऑफ एफ, क्योंकि यहां पे रखेंगे ना एक्स का वैल्यू, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4। जी सर्किल का मतलब होता है ब्रैकेट, और एफ में 4 का इमेज, एफ में 4 का इमेज 1 है, तो यहां हो जाएगा जी ऑफ 1, और जी ऑफ 1 का मतलब ये हुआ कि जी में 1 का इमेज, जी में 1 का इमेज 3, इसका आंसर 1 है।
फाइनली देख पा रहे हैं कि इसका आंसर लिखते वक्त हम लिख सकते हैं कि जी सर्किल एफ एक्स का जो मान आएगा वो कितना कितना आएगा, तो एक रखने पे तीन मिल रहा है, तो एक तीन यानी कि एक का इमेज तीन में किसका, जी सर्किल एफ का। अच्छा तीन का इमेज एक में है तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री और वन, फिर कितना तो फोर का इमेज थ्री में तो इसका हो जाएगा फोर एंड थ्री। तो ये हुआ कंप्लीट आंसर, मतलब जी सर्किल एफ का वैल्यू हमको निकालना था तो हम लोग निकाल देंगे वन थ्री थ्री वन फोर थ्री, यानी कि हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसका किसमें इमेज बन रहा है वैसे बाय फिगर भी ड्रॉ करके, तो चीजें आसान है आप बिल्कुल सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है कि हमको शो कीजिए, प्रूव कीजिए कि ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है, मतलब कि हमको चीजों को प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए यहाँ पे दो चीजें हैं तो हम लोग दोनों का सॉल्यूशन करते हैं, एक लेफ्ट में इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाला को और नीचे वालों को राइट में सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए पहला बात कि हम इसको LHS से चलते हैं, यानी ऊपर वाला को देखिए ध्यान से हम लेफ्ट में सॉल्व करने वाले हैं और नीचे वाला को राइट, यानी कि दो ही क्वेश्चन था दोनों को सॉल्यूशन करना था, प्रूव करना था शो करना था, तो दोनों को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। फिलहाल फर्स्ट वाले में ऊपर वाले में LHS की तरफ से क्या है, तो LHS की तरफ से A प्लस जी का सर्किल एच है उसको हमने डाला। अब A प्लस जी का सर्किल एच है इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं A प्लस जी सर्किल एच ऑफ एक्स, वो तो लिख सकते हैं ना, अगर नहीं भी है तो हम लोग एक्स अपने तरफ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्लस है तो बारी बारी से हम लोग इसके तरफ से गुणा कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A सर्किल एच ऑफ एक्स और प्लस जी के साथ जी सर्किल एच ऑफ एक्स। अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि A सर्किल एच एक्स और जी सर्किल एच एक्स को एडिशन यानी कि सम में है, तो जैसे कि हम लोग अपने तरफ से x लगाए थे सॉल्यूशन करने के लिए तो x हटा भी सकते हैं, तो अब बन गया A सर्किल एच प्लस जी सर्किल एच और A बना RHS, RHS में भी ऐसा ही था, ये चीजें प्रूव हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चीजें कोई हार्ड नहीं थी, यहाँ प्लस में है हम लोग अलग अलग फाइनली गुणा कराकर कर सकते हैं, तो वो चीजें दी गई है। नेक्स्ट अगर हम नीचे वाले में अगर LHS से चलेंगे तो नीचे में क्या लिखा हुआ है एफ डॉट जी का सर्किल एच, हम यहाँ भी अपने तरफ से एच ऑफ एक्स लगा दिए, चूंकि सॉल्यूशन करते वक्त एच ऑफ एक्स लगाना जरूरी होता है ताकि फंक्शन पता चल सके कि किसमें फंक्शन है, तो एक्स में फंक्शन और जैसे इनटू है तो यहाँ भी अलग अलग इनटू में करा सकते हैं, तो एफ के साथ इसको लिखा तो बनेगा क्या एफ सर्किल एच ऑफ एक्स इनटू है इनटू दिया, अब जी के साथ इसको अगर करेंगे तो यहाँ बनेगा जी सर्किल एच ऑफ एक्स और ये गुना में है तो हम लोग अपने तरफ से एक्स लगाए थे तो एक्स हटा भी सकते हैं, मीन्स दैट कि एफ सर्किल एच गुना जी सर्किल एच, तो ये चीजें आरएचएस में है तो यहाँ भी चीजें प्रूव हो गई। तो ये प्रूव करने वाला ज्यादा हार्ड नहीं था, आप चीजों को अगर अलग अलग करके गुना करेंगे प्लस में तो प्लस नहीं आएगा और इनटू में एक बार एच एफ के साथ जाएगा एक बार जी के साथ जाएगा, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ताकि आप अंदर फंक्शन को गुना करा के तब एच के साथ सर्किल कीजिए या ऑफ कीजिए या फिर जोड़ करके तब एच के साथ सर्किल कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीजें को प्रूव करने वाला था तो हम ऊपर नीचे दोनों को प्रूव कर दिए। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया है एफ एक्स का वैल्यू मोड एक्स और जी एक्स का वैल्यू फाइव एक्स माइनस टू का मोड, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है एफ सर्किल जी का वैल्यू क्या होगा और दूसरा भी बोल रहे हैं कि जी सर्किल एफ का वैल्यू क्या होगा, तो ये दोनों क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है एक ही सवाल में। एक ही सवाल में यानी तीसरा का दो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला और दूसरा, तो पहला सवाल को हम लोग एफ सर्किल जी निकालना है और जी सर्किल एफ निकालना है, तो पहले हम लोग एफ सर्किल जी फाइंड आउट करते हैं, तो एफ सर्किल जी को फाइंड आउट करने के लिए इसको हमने लिखा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि हम लोग थ्योरी में ऐसा पढ़े हुए हैं कि अगर सर्किल है उसको हम लोग ब्रैकेट में तोड़ सकते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं, तो अब बना एफ और जी एक्स का वैल्यू क्या, तो जी एक्स का वैल्यू है मोड के अंदर 5x माइनस 2 ऐसे जी एक्स का वैल्यू यही है। अब हमने क्या माना, इसको मान लिया p, इसको मान लिया p,
अगर इसको p माना तो अब हो गया f ऑफ p, पूरा अंदर वाले जो भी है उसको मान लिया p, तो अब बना है p, और fx का मतलब mod x, तो fp का मतलब mod p। अब इसको आंसर नहीं करेंगे, अब p का जो वैल्यू माना है उसका वैल्यू रख देंगे, तो मोड तो ठीक है, और p का वैल्यू क्या, तो मोड के अंदर 5x-2, और 5x-2 का मतलब या कि 5x-2 का मोड या फिर उसका मोड, तो आंसर आएगा मोड ऑफ 5x-2, क्योंकि एक बार मोड करे चाहे फिर दोबारा मोड करे बात तो बराबर है, इसलिए एक बार। अब अगेन इसकी इसी का करते हैं, अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे एफ सर्किल जी, इसी सवाल में जी सर्किल एफ भी फाइंड आउट करना है। अपनी तरफ से एक्स ले लिए हैं क्योंकि एक्स में फंक्शन दिया हुआ है, आसानी होगी सॉल्व करने में। इसको ब्रेक किया तो बना जी के अंदर एफ ऑफ एक्स, अब इसको लिखा जी, अब एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स है। अब इसको हम लोगों ने माना पी, इसको माना पी, तो अब जो बना मेरा फंक्शन जी ऑफ पी बना। हम मानने से कुछ बातें सहूलियत हो जाती है, जैसे ही अगर इसको p माना तो यहाँ पे बन गया जी एक्स बराबर फाइव एक्स माइनस टू का मॉड, तो gp का वैल्यू क्या, gp का वैल्यू मॉड ऑफ 5p-2, यानी कि जहां पे x था वहां 5x-2, तो g ऑफ p का वैल्यू क्या होगा, 5p-2 का मॉड। अब हम लोग p का जो वैल्यू मान चुके थे कि मॉड x है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका आंसर बनेगा 5 mod x-2। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसी सवाल में हमको f सर्किल g भी फाइंड करना था, अब g सर्किल f भी फाइंड करना था। अब देखते हैं इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तीसरा का ही दूसरा सवाल में fx का वैल्यू दे चुका है 8x³ और gx का वैल्यू दिया है x^1/3, और हमें जो फाइंड आउट करना है दो वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक f सर्किल g का वैल्यू फाइंड आउट करना है और दूसरा g सर्किल f का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग एक ही सवाल में दोनों चीजों को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं f सर्किल g ऑफ x, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करना सीखे हैं, इस सर्किल को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, तो f के अंदर g ऑफ x, और जब भी वैल्यू पुट किया जाता है तो अंदर वाले से ही पुट किया जाता है, बाहर वाला का काम नहीं करते हैं पहले, तो पहले अंदर वाला काम किए, तो gx का वैल्यू क्या है, तो x^1/3 है। अब करना काम क्या है कि जो f के अंदर जिसका वैल्यू पुट किया उसको मान लेंगे p, कोई जरूरी नहीं है दोस्त कि p ही मानना है, आप अपने हिसाब से a b c d कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर जो मानेंगे वही वैल्यू पुट करेंगे, हमने इसको p माना तो यहां वैल्यू बना दिया f ऑफ p। अब f ऑफ p का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो fx में चलेंगे, क्योंकि fp का वैल्यू जो है gx में तो नहीं चलना होगा, क्योंकि यहां वैल्यू f है, तो यहां वैल्यू f में चलेंगे। fx का वैल्यू 8x^3 है, तो fp का वैल्यू हो जाएगा 8p^3। अब ये आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने अपने तरफ से p माना था, लेकिन सवाल में तो दिया है x, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, p का जो वैल्यू मान सकते यहां रख देंगे, तो p का वैल्यू रखेंगे तो 8, अब p का वैल्यू रखेंगे x^1/3, और ये तो पावर 3 है, यानी कि सिर्फ हमने सिर्फ काम किया p का वैल्यू रख दिया x^1/3, और ऐसा करने से पावर और बेस कटा, दोनों पावर कटा, एक्सक्यूब मल्टीपल में हो जाता है, इसका आंसर बना 8x, इसका आंसर बना 8x। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा बोल रहा था कि इसी सवाल में जी सर्किल fx निकालिए, यानी कि सवाल ऐसे बोले तो अपने तरफ से x लगा सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे लगते हैं देखने में भी, और हमें सॉल्यूशन करने में भी पता चलता है कि ये x में फंक्शन है और आसानी होती है। तो चलिए अब इसको हम लोगों ने जब सर्किल है ऑफ है तो इसको ब्रेक किया तो बना g ऑफ f ऑफ x। अब हम लोगों ने क्या किया, fx का तो वैल्यू सीधा सीधा दिया हुआ है 8x^3, तो यहां पे पुट कर दिया, क्या बना, तो यहां बना g 8x^3। अब हम लोगों ने इसको क्या मान रखा, तो मान रखा, आप लोग सोच रहे होंगे सर बार बार पी ये मान रहे क्या बात है, तो अब के मान लिया बी या सी या कुछ भी, तो इसको मान लिया सी, तो अब क्या माना जी ऑफ सी। अब जी ऑफ सी का वैल्यू कहां से, तो एफ एक्स से, क्यों एफ एक्स से, क्योंकि जी में फंक्शन है तो जी वाला ही ना पुट करेंगे, तो जी एक्स का मतलब x^1/3, तो जी सी का मतलब c^1/3, इसका मतलब हुआ c^1/3।
1/3। अब c के पावर 1/3 आंसर नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने अपने तरफ से कुछ मान रखा था c, लेकिन c का वैल्यू अब पुट कर देंगे, तो c का वैल्यू अब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, c के जगह पे 8x³ के पावर 1/3। अब 8x के पावर 3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2x के पावर 3। 2x के पावर 3 को लिखा जा सकता है 2³ और x के पावर 3x³, लेकिन इसका भी तो पावर 1/3 ऊपर है। यदि हम लोगों ने इसको शॉर्ट बनाना है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो 8x³ को हम लोग लिखे 2x के पावर 3। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कोई फर्क नहीं पड़ता है और 1/3 और आसानी हो जाएगा कि 3 और 3 कैंसिल और इसका आंसर हो जाएगा 2x, इसका आंसर हो जाएगा 2x। तो इस तरह से चीजों को सॉल्यूशन करते हैं, कंपोजिट फंक्शन को दिया हुआ है तो जी सर्किल एफ एफ सर्किल जी ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। तो सवाल में देखते हैं, चौथे नंबर सवाल में एक फंक्शन का वैल्यू दे चुका है, फंक्शन का वैल्यू दे रखा है 4x+3/6x-4 और हमें यहां से दो सवाल, यहां पे इसी सवाल में दो सवाल बोल रखा है। पहला बोला कि आप एट इनवर्स एक्स निकालिए, जो कि थ्योरी में हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इनवर्स निकालते हैं वो चीजें। और इसमें एक और बातें बोल रहा है कि हमको शो कीजिए, प्रूव कीजिए कि एफ सर्किल एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स के बराबर होगा। यानी कि इस सवाल में एफ एक्स का वैल्यू देकर और दो सवाल हमसे पूछ चुका है, पहला कि उसका इनवर्स निकालिए और दूसरा कि एफ सर्किल एफ एक्स का वैल्यू एक्स होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम बारी बारी से दोनों सवाल को कोरिलेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन एफ एक्स का वैल्यू हम लोग पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि इसका वैल्यू क्या एक्स आता है कि नहीं, सो कर रहे हैं मतलब। तो चलिए सो करते हैं पहले, तो एफ एक्स का वैल्यू दिया है और हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम LHS, प्रूव कर रहे हैं। LHS में क्या है, एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया क्योंकि जितने भी अगर सर्किल होते हैं तो उनको ब्रैकेट के अंदर ब्रेक करके लिखा जाता है, इसको ब्रेक किया सर्किल को तो बना एफ के अंदर एफ एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे एफ के अंदर एफ एक्स का तो वैल्यू एज इट इज दिया हुआ है, क्या दिया है 4x+3/6x-4 और हम लोग इसको पहले सॉल्यूशन कर रहे थे कि जो भी अंदर में बड़ी चीज आए छोटी चीज आए अंदर कुछ ना कुछ मान लीजिए, तो क्या माना जाए इस बार टी माना जाए, अलग अलग चीजें ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि हमेशा कसम खा लेना है कि पी 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 ही मानना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां हम लोगों ने माना टी, तो अब कैसा फंक्शन बनेगा एफ ऑफ टी। अब अगर एफ ऑफ टी फंक्शन बन गया तो इसको इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एफ में ही चलेंगे लेकिन एक्स के जगह पे टी डालेंगे, तो अब क्या बना यहां बनेगा 4t+3/6t-4। अब दोस्त ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों को तो x में आंसर लाना होगा ना, यहाँ चीजें किस में है, यहाँ t में है, इसलिए आंसर हो नहीं सकता है। तो अब जहां जहां t है वहां हम लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे बराबर। अब जहां जहां t है तो t का तो मान इतना है, तो 4 × t का वैल्यू कितना, तो 4x+3/6x-4 80 का वैल्यू हुआ +3 और नीचे 60, तो 60 का मतलब 6 और t का मतलब 4x+3/6x-4 -4 ये चीज है। अगर हम इसको 4 है और इतना को अगर कैलकुलेशन करें ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 6x-4, यहां पे लेंगे तो यहां कैलकुलेशन कराएंगे 4 से तो 16x+12 और यहां पर रहेगा 3×18x-12, ये करना है भिन्न का जोड़ घटाव है, इसको कैलकुलेशन करेंगे ताकि कैलकुलेशन करके हमको x लाना है, इसीलिए हम ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं। नीचे में भी 6x-4 अगर एलसीएम लेंगे तो यहां बचेगा 6×24x+18, यहां बनेगा -24x और -16। अब देख पा रहे होंगे नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो रहा होगा, ऊपर ऊपर 12 12 कटा,
नीचे 24 24 कटा तो बच क्या है 16x 18x 34x 18 और 16 34। इसलिए यहां का वैल्यू x आया। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस एफ सर्किल एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा x। ऐसा करके हम लोग कर लेंगे प्रूफ। तो इसमें दो सवाल बोल रहा था, एफ सर्किल एफ एक्स का वैल्यू x प्रूव करना था, आप चीजों को सॉल्यूशन करेंगे तो x आ जाएगा। अब चलिए दूसरे पार्ट में इसी सवाल में बोल रहे हैं एफ इनवर्स x, उसको फाइंड आउट करते हैं। इस दूसरे वाले पार्ट को इसी सवाल में सॉल्यूशन करते हैं। हमें एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना होता है तो हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले एफ वा एफ एक्स बराबर वाई माना जाता है कि एफ एक्स बराबर क्या तो वाई। अब अगर एफ एक्स बराबर वाई मान लेंगे तो इससे हम लोग पलट सकते हैं, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स लिख सकते हैं। ऐसा थ्योरी की वीडियो में आपको बताई गई है। तो अगर आपको यहां से चीजें समझ नहीं आ रही है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि 1.3 का थ्योरी वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको चीजें स्पष्ट समझ में आए। तो चलिए अब यहां से हम लोग नेट मान लिए तो इसका हम लोग इनवर्स ऐसा कर सकते हैं, वाई इधर आता है तो पावर माइनस वन चढ़ता है और ये एफ इनवर्स वाई बन जाता है। तो अगर हमको सवाल में एफ एक्स का वैल्यू इतना दिया है और हम इतना चीज को मान लिए हैं समीकरण 1 और 2 इसको दे सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू ये सवाल में दिया है और हमने एफ एक्स को क्या माना वाई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नाउ अब जो वैल्यू आया वाई बराबर 4x + 3 6x - 4 ये चीज बना। अब ये चीज बना इसलिए क्योंकि हम एफ एक्स को खुद मान चुके हैं वाई, तो यहाँ वाई रख दिया। अब यहां से बताया हुआ था कि अगर ये रिलेशन से आप x का वैल्यू निकालिए तो इस रिलेशन से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चाहिए हमको x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालना है तो आप तिरछा तिरछी यानी कि गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा 6xy - 4y = 4x + 3। अब x वाले को एक तरफ करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 6xy - 4x = 4y + 3। ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो 4y और +3, इसको इधर लाएंगे तो -4x। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर x कॉमन करेंगे तो यहां बनेगा 6y - 4 = 4y + 3। तो यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 4y + 3/6y - 4। ऐसा बनेगा कि 6y - 4 4y + 3, ये किसका वैल्यू हुआ x का वैल्यू। अगेन हम लोग काम कर सकते हैं कि जो x का वैल्यू आ रहा है वो x किसके बराबर है तो f इनवर्स y के बराबर है, यानी कि नाउ अब हम लोग बोल सकते हैं x f इनवर्स y के बराबर है तो f इनवर्स y बराबर क्या आया तो 4y + 3/6y - 3। तो वही चीजें आ गई इनवर्स में, लेकिन हमको एफ इनवर्स एक्स में पूछ रहा था तो एफ इनवर्स एक्स निकाल देंगे, वाई के जगह पे एक्स कर रिप्लेस कराएंगे तो जहां जहां वाई आएगा वहां हो जाएगा एक्स 6x - 4। अगर सवाल बोलता है कि हमको f इनवर्स t का वैल्यू बताइए तो f इनवर्स y में या x मिलाकर उसको t से रिप्लेस करा देते, तो अब f इनवर्स t में भी आंसर हो सकता है 4t + 3/60 - 4। तो अब ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि फंक्शन किस में है, t में रहे कुछ में भी रहे, लेकिन इनवर्स में जो आंसर आएगा वो फंक्शन जो दिया है वैसा ही सेम आएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि एफ इनवर्स एक्स निकालिए, एफ सर्किल एफ एक्स निकालिए, तो दोनों चीजें फाइंड आउट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। ये मेथड थ्योरी की वीडियोज में दी गई है, तो अगर समझ नहीं आया तो आप थ्योरी की वीडियोज को जरूर देखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवे नंबर को ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। बोल रहे हैं अ स्टेट वेदर का मतलब है कि चेक कीजिए, जांच कीजिए कि क्या जो निम्नलिखित फंक्शन दिए गए हैं उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। प्यारा दोस्तों, आपको थ्योरी में हम बता चुके हैं कि इनवर्स उसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है जो फंक्शन 1-1 और 1-2 दोनों होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि 1-1 1-2 फंक्शन का ही हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, बाकी किसी फंक्शन का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग को समझ आना चाहिए कि हमको जो चेक करना है इस फंक्शन का,
पांचवा में टोटल तीन क्वेश्चन है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो तीनों क्वेश्चन को हमको फाइंड आउट करना है कि क्या इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हम लोग तो यही चेक करेंगे ना कि क्या ये वन वन ऑन टू है। अगर वन 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 टू हो गया तो इनवर्स फंक्शन निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। तो सिंपल हम लोग को कुछ चेक करना होगा इसका सॉल्यूशन में कि क्या ये वन वन फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन है। अब देख पा रहे होंगे फंक्शन दिस टू दिस है, इसका मतलब है कि एक सेट में वन टू थ्री फोर है और जिसका इमेज टेन भी बन रहा है। तो बिल्कुल बाई फिगरली वन टू थ्री फोर एक सेट है और दूसरा सेट ओनली टेन है, और इसमें जो फंक्शन दिखा रहा है एफ है, इसका काम तो खत्म हुआ। अब यहाँ पे किसका किसमें इमेज बन रहा है, तो वन का इमेज टेन में बन रहा है, टू का इमेज टेन बन रहा है, थ्री का इमेज टेन बन रहा है और फोर का इमेज टेन बन रहा है। तो यहां से देखने से ये पता चल रहा है कि कौन कौन सा फंक्शन है। प्यारे दोस्तों आप भूल गए होंगे फंक्शन को ये कैसे चेक करते हैं, फिर से याद दिलाता हूं मैं। सबसे पहला बात कि फंक्शन में वन वन जो होता है वो मैनी वन का उल्टा होता है, मैनी वन का उल्टा होता है, और ऑन टू जो है वो इन टू का उल्टा होता है। इन टू हो गया तो ऑन टू नहीं हुआ, अगर ये हो गया तो ये नहीं होगा, वन वन हो गया तो मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन हो गया तो ये नहीं होगा, यानी कि उल्टा होता है। ये दोनों उल्टा होता है, वन वन और मैनी वन, और वन टू और इन टू। और हम लोग सीखा थ्योरी में इनवर्स होने के लिए वन वन भी जरूरी है और ऑन टू भी जरूरी है। अगर एक काम कोई गड़बड़ हुआ इनवर्स फंक्शन उसका हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो इनवर्टिबल फंक्शन नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखना होगा कि वन वन का तो उल्टा मैनी वन और वन टू का उल्टा इन टू। अब वन वन और मैनी वन में हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं मैनी वन को। मैनी वन का ये था कि अलग अलग एलिमेंट से एरो निकलकर सेम में जाकर मिलना, अगर अलग अलग से सेम में जाकर मिलता है तो वो मैनी वन कहलाता है। और ऑन टू इसके लिए चेक करते हैं, ऑन टू और इन टू में इसको चेक करते हैं। ऑन टू किसको बोलते हैं, अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया। कोडोमेन का मतलब है कि सेट बी का सब एलिमेंट, और रेंज का मतलब है कि जिसमें जिसमें एरो जाकर मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर है, क्योंकि कोडोमेन में खाली 10 है और इमेज जो बन रहा है 10 में, इसलिए हम बोल सकते हैं ये ऑन टू तो हो गया, कोडोमेन और रेंज बराबर है ना, 10 10 ये है, इसलिए ऑन टू हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये मैनी वन है कि वन वन है। तो ये मैनी वन है, क्यों, क्योंकि अलग अलग से एरो निकलकर सेम में जाकर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू, यानी कि दूसरे सेट में अलग अलग एलिमेंट के एरो निकलकर सेम में जाकर मिल रहा है, इसलिए क्या है, मैनी वन है। और जब मैनी वन हो गया तो दोस्त वन वन तो फेल हो गया, क्योंकि मैनी वन हो गया तो वन वन नहीं होगा, क्योंकि दोनों बातें उल्टी है। तो ये चीजें हम आपको याद दिला रहे थे, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है, हम आपको ये यादगार के तौर पर बता रहे थे कि चीजें ऐसे ऐसे होती है। यहां मैनी वन हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये वन 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 फंक्शन नहीं हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्या पांचवा का पहला ऑप्शन को चेक किए, पहला क्वेश्चन को चेक किए, तो क्या इसका इन्वर्टिबल निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। कारण क्यों, यही कारण है कि इट इज नॉट वन वन ऑन टू, यानी कि दोनों साथ नहीं है, वन वन ऑन टू नहीं है, सो इट इज नॉट इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन का इनवर्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कोई भी हम, तो इसका ये हम लोग चेक करने का तरीका हुआ। तो चलिए हम पांचवा का दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पांचवा का दूसरा नंबर सवाल, इसमें भी वही फंक्शन है लेकिन फंक्शन का नाम बदलकर जी दे दिया है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए कि 5678 का जो इमेज है इस फंक्शन से इस फंक्शन में, तो बिल्कुल आप
ग्राफिकल मेथड या फिर ग्राफ से इमेज से कुछ से भी बनाए, तो इसमें फर्स्ट सेट में क्या है 5 है 6 है 7 है 8 है, दूसरा सेट में क्या क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, इसमें इसमें फंक्शन का नाम जी है, जी दे दिया, फिगर तैयार है। उसके बाद जी का जो वैल्यू बोल रहा है किसका किस में फंक्शन है, तो 5 का 4 में फंक्शन है तो 5 का 4 किया, 6 का 3 में फंक्शन है 6 का 3 किया, 7 का 4 में 7 का भी 4 में किया, 8 का 2 में 8 का 2 में फंक्शन है। आप यहां से देख पाइए कि क्या ये ऑन टू या इनटू है, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि कोडोमेन में 1 2 3 4 पूरा सेट का एलिमेंट हो गया, लेकिन रेंज का बात करें तो सिर्फ 2 3 4 हुआ। रेंज का मतलब है कि सिर्फ उसी को काउंट करते हैं जिसमें एरो जाकर मिलता है, और कोडोमेन उसको बोलते हैं जो पूरा सेट का एलिमेंट हो, जैसे 1 2 3 4 ये पूरा सेट का एलिमेंट हुआ, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ रेंज हुआ 2 3 4। यहां से पता चल रहा है कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं कि क्या ये 1 1 या मेनी 1 होगा, तो हम लोग पहले मेनी 1 को चेक करते हैं, तो आप फिगर को बढ़िया से देखिए कि क्या कोई ऐसा है जो दो अलग अलग से सेम में जाकर इमेज बना रहा है, तो बिल्कुल 5 और 7 को देखिए, दो अलग अलग से एरो निकल कर सेम 4 में जाकर मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 or more than 2 एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट 2, दूसरे सेट में सेम इमेज बना रहा है अलग अलग से, इसका मतलब ये क्या हुआ मेनी 1 हुआ। जब मेनी 1 हो गया तो बोल सकते हैं कि 1 1 नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, क्या ये इनवर्स इन्वर्टिबल हुआ, इसका इनवर्स निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये ना तो ऑन टू है और ना ही 1 1 है। अगर मान लिए एक भी कोई हो जाता फिर भी नहीं होता, क्योंकि हमको दोनों चाहिए होता है इनवर्स के लिए, इनवर्स के लिए चाहिए होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन, जो कि यहां नहीं है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि सो इट इज नॉट 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, हेंस नॉट इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, इसका इनवर्स नहीं निकल सकता है चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 1 और 1 2 फंक्शन नहीं हो पा रहे, उसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है, हम बार बार बोल रहे हैं, जो 1 1 और 2 फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है इसलिए इसका इनवर्स नहीं निकलता है। चलिए पांचवा का तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमको यही चेक करना है कि क्या इस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकला। जैसे कि पहला में एक फंक्शन था, दूसरा में जी था, इसका नाम एच फंक्शन है, तो नाम को लेकर कोई परेशानी नहीं है। चलिए हम लोग इसको फिगर बनाते हैं, तो 2 3 4 एंड 5 दूसरा सेट में दिया है 7 9 11 और 13, और अगर h फंक्शन है तो इसमें इसमें फंक्शन h दिखा रहा है, h लिख देंगे, 2 का इमेज 7 तो 2 का इमेज 7, 3 का 9 3 का 9, 4 का 11 4 का 11, 5 का 13 5 का 13। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि क्या यहां से कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा सेट होता है, लेकिन रेंज उसी को बोलते हैं कि जिसका इमेज एरो जाकर मिलता है, तो एरो जाकर 7 9 11 13 में मिल रहा है, और कोडोमेन में भी यही 4 एलिमेंट है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि हियर इज कोडोमेन और रेंज बराबर हुआ, इसलिए बोल सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या दोस्त अलग अलग से निकलकर एरो सेम में जाकर इमेज बना रहा है, तो बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग से सेम में जाकर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे कि नॉट 2 or more than 2 एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट 2, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो दो अलग अलग से एरो निकलकर सेम में बना रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये मेनी 1 नहीं है। अगर मेनी 1 नहीं है तो फिर है क्या, हम लोग तो सीखे कि मेनी 1 जो है 1 1 के उल्टा होता है, तो ये मेनी 1 नहीं है तो इसलिए क्या है 1 1 है। आप यहां से देख पा रहे हैं 1 1 भी हो गया है, 1 2 भी हो गया है, तो दोस्तों
यहाँ पे इन्वर्टेबल फंक्शन होगा ही होगा, क्योंकि वन वन भी है और टू भी है, यानी कि सो इट इज वन वन ऑन टू फंक्शन, ये वन वन ऑन टू फंक्शन है, इसलिए हेंस इट इज इन्वर्टेबल, यानी कि ये इसका इनवर्स निकल सकता है, इनवर्टेबल हो जाएगा ये फंक्शन, इसका इनवर्स निकल सकता है। तो इसका तीन सवाल हम लोगों ने देखा, पहला का भी इनवर्स नहीं निकल सकता है, दूसरा का भी इनवर्स नहीं निकल सकता है, लेकिन तीसरा का इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है। तो इस तरह से पांचवा था हम लोग। छठा नंबर में बोल रहे हैं कि फंक्शन जो है माइनस वन से वन है, लेकिन इसका इमेज जो है आर में बनेगा, मतलब कि रियल नंबर बनेगा जो कि जीरो से वन और उसके बीच में भी बहुत सारी संख्या होती है, दैट इज रियल नंबर। और बोल रहा है कि शो कीजिए कि एफएक्स जो है इसका वैल्यू, एफएक्स का मतलब एक्स बाई एक्स प्लस टू, एक वन वन फंक्शन है और साथ ही साथ इसका इनवर्स भी निकालना है। तो हमको जो बोल रहा है सवाल में कि ये वन वन फंक्शन है और हमको वैल्यू निकालिए कि इसका इनवर्स निकालिए, पहले हम लोग को दिखाना होगा कि ये वन वन है कि नहीं, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि हमको शो कीजिए कि fx बराबर दिस इज वन वन फंक्शन, यानी कि वन वन है। तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले स्टेट बनाइए कि f माइनस वन से वन है, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस वन से वन का मतलब है माइनस वन होगा और वन ही होगा, उसके बाद का वैल्यू नहीं होगा, उसके नीचे का वैल्यू नहीं होगा, लेकिन इसके बीच का तो जीरो होगा और इसके बीच का बहुत सारी संख्याएं होगी, बस लास्ट। अगर हम लोग दूसरे सेट का बात करें तो रियल का सेट है, रियल का तो जानते हैं जीरो होता है, एक होता है, दो होता है, माइनस एक होता है, माइनस दो होता है, और उसके बाद का भी संख्या है, इसके नीचे का भी संख्या है और इसके बीच का भी बहुत सारी संख्या है, ऐसी होती है। और इसमें फंक्शन का नाम f है तो यहाँ पे लिख दिया f। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि fx का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, तो fx का वैल्यू जो दिया है x by x plus 2 दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो कितना वैल्यू देगा fx का, तो इसका वैल्यू देगा 1/3, क्योंकि 1/1 + 2 यानी कि 3, 1/3 का मतलब 0.633, यानी कि अगर 1 रख रहे हैं तो 0.3 का मतलब है कि कहीं ना कहीं नीचे आए, क्योंकि नीचे में 1, 2, 3, 4 ले लिया है, ऊपर में माइनस ले लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिधर पर उधर जा सकते हैं। x का वैल्यू अगर 2 लिया तो fx का वैल्यू बन गया क्या, तो 2/4 यानी कि 1/2 और यहाँ बन गया 0.4, यानी कि 2 लेने पर, सॉरी तो 2 हम ले नहीं सकते हैं, क्यों नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि x में जो पार्ट है माइनस वन से वन ही ले सकते हैं, तो यहाँ तो 0.5 ले सकते हैं, तो x का वैल्यू लिया 0.5, fx का वैल्यू क्या बनेगा, 0.5 का मतलब 1/2 और इसको अगर 0.5 तोड़ेंगे तो 2.5, यानी कि ऊपर जाएगा 10 और नीचे आएगा, यहाँ 0.5 है तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 10 यानी कि 1/5, 1/5 का मतलब हुआ 0.2 बनेगा, यानी कि 0.5 लेने पे 0.2 बनेगा, मतलब समथिंग। एक बात पूछते हैं कि क्या इससे हर एक पार्ट से एरो निकलेगा, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल निकलेगा, हर एक पार्ट से कुछ भी वैल्यू रखेंगे ना यहाँ से हर एक पार्ट से एरो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि दो अलग अलग से एरो निकल कर सेम में मिले, कभी नहीं होगा ऐसा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x बाई एक्स प्लस टू है, जीरो रखेंगे फिर भी जीरो होगा, जीरो का जीरो पे जाकर बनेगा, जीरो का इमेज जीरो बनेगा, वही नहीं अगर हम बात करते हैं टू रखेंगे तो वैल्यू कुछ और होगा, थ्री रखेंगे तो सॉरी टू तो थ्री तो रख ही नहीं सकते हैं, बार बार गलती से बोला जा रहा है, माइनस वन से वन ही रख सकते हैं वैल्यू, 0.8, 0.6, 0.8, -0.3, -0.4 सब सारा वैल्यू रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते 2, 3, क्योंकि यहाँ पे जो सेट है वो माइनस वन से वन ही दिया हुआ है। तो आप पाएंगे कि सबसे एरो निकलेगा, बट किसी से भी ऐसा नहीं होगा कि दो अलग अलग एरो से निकल कर सेम में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, यानी कि हमको यहाँ पता चला कि नॉट टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन
सेट टू, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, तो हम बोल सकते हैं कि ये मेनी वन नहीं होगा, ये मेनी वन नहीं है। जब मेनी वन नहीं है तो फिर है क्या, वन वन फंक्शन है। सो इट इज वन वन, सो इट इज वन वन, ये वन वन फंक्शन है। हमको यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, और दूसरा बात बोल रहा है कि इसका इनवर्स भी निकालना है। इनवर्स का मतलब एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है, जो कि अभी अभी पिछले सवाल में हम लोग किए हैं। एफ इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एफ इनवर्स के लिए, एफ इनवर्स अगर हमको निकालना है तो हमको कुछ रेट मानना पड़ता है। मान लिया कि एफ एक्स का वैल्यू वाई है, दैट इज समीकरण नंबर इक्वेशन वन। अगर इससे इनवर्स निकालते हैं तो अगर इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स। ऐसा करने से जो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, उसके जगह पे हम लोग वाई पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर वन से उसमें अगर पुट करेंगे तो बनेगा वाई बराबर एक्स बाय एक्स प्लस टू। इस इक्वेशन से हमेशा हमें x का वैल्यू निकालना होता है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ बनेगा एक्स वाई प्लस टू वाई बराबर एक्स। एक्स को एक तरफ करेंगे तो बनेगा एक्स वाई माइनस एक्स बराबर टू वाई। अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ जो बनेगा वाई माइनस वन अपॉन टू वाई। फिर से अगर हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो बनेगा 2y अपॉन y माइनस वन। ये x का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू निकालने के बाद समीकरण नंबर 2 को देखिए जरा। x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, f इनवर्स y रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y पर बटा y माइनस वन। यानी कि जो f इनवर्स y का वैल्यू x मारा हुआ था, अब x की जगह पे f इनवर्स y रख सकते हैं, लेकिन हमको तो इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स का भी वैल्यू आंसर आ गया है, लेकिन ये अब अलग बात है कि आंसर किस फंक्शन में दिया हुआ है। अगर y में दिया रहेगा तो 2y बटा y माइनस वन। अगर इसको x में से रिप्लेस कराएंगे, x से रिप्लेस कराएंगे यानी कि y की जगह पे x डालेंगे, तो इसका इनवर्स बनेगा 2x अपॉन x माइनस वन। तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर NCERT में कैसे दिया है, y में फंक्शन की x में फंक्शन की तीनों की तीनों, उसमें ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। आप इनवर्स को अच्छा से निकालना सीख जाइए। और ये बोर्ड सवाल है जो BSc होती है, उसमें पक्का एक नंबर के सवाल में आता है कि कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है और उसका इनवर्स चार ऑप्शन में कौन सा सही होता है, ऐसा सवाल बिल्कुल आता है। तो बहुत बढ़िया से इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। सवाल सातवें नंबर सवाल पढ़ते हैं। सातवें नंबर सवाल में बोल रहा है कि फंक्शन r टू r है, यानी कि रियल टू रियल है, और f(x) का जो वैल्यू दिया है वो 4x + 3 दिया हुआ है, 4x + 3, और हमको शो करना है कि ये इनवर्टिबल फंक्शन है। और याद किया जाए दोस्त, इनवर्टिबल का मतलब होता है कि इनवर्टिबल तभी हम लोग शो कर सकते हैं, यानी कि 1 1 1 तभी होगा। यानी कि पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या इनवर्टिबल है कि नहीं, और इन्वर्टिबल तभी होगा जब ये 1 1 1 2 फंक्शन होगा, उसके बाद हम इसका इनवर्स निकालेंगे, यानी कि इसका इनवर्स निकालेंगे इन्वर्टिबल को चेक करने के बाद। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, पहले सेट बनाएंगे आर का। तो आर का सेट कैसे बनाते हैं, तो आर का बनाते हैं ऑल रियल नंबर। तो पहला सेट बनाया ऑल रियल नंबर 0 1 2, और इसके नीचे भी बहुत सारी संख्या है, और ऊपर बनाया -1 -2, और उसके ऊपर भी बहुत सारी संख्या है। दूसरा भी रियल का सेट है, तो रियल का सेट हुआ, और इसमें फंक्शन f है, तो f दिया, इसमें लिखा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और उसके नीचे भी बहुत सारी संख्या है, और यहाँ पे हुआ -1, और यहाँ पे हुआ -2, और उसके ऊपर और उसके बीच का सारी संख्या है। अब f x का जो वैल्यू दिया है, एफ एक्स का वैल्यू दिया है 4x + 3। अब इसको थोड़ा सा चेक करना है कि क्या ये 1 1 1 2 है कि नहीं। तो x का वैल्यू अगर दोस्त 1 रखेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो 4 + 4 = 3 = 7, यानी कि 1 का इमेज कहीं ऊपर जाकर 7 में बनाएगा। x का वैल्यू अगर -1 लिखा तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हुआ, तो -4 + 3 - 1, यानी कि -1 का जो इमेज हुआ वो -1 में बनेगा। x का वैल्यू अगर 0 लिया तो 4x, मतलब x का वैल्यू 0 तो 0 बन गया, और fx का वैल्यू बन गया 3।
एफ एक्स का वैल्यू 3, तो 0 लेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर जाकर 3 में मिलाएगा। तो उस तरह से अगर हम बहुत सारी संख्याओं को चेक करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो यहाँ से हर एक एलिमेंट से एरो जरूर निकलेगा, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि दो अलग अलग से निकल कर सेम में जाए? कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 4x+3 है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो अलग अलग से सेम में जाकर मिलेगा। दूसरा बात क्या ऑटो फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी एरो निकल के जाएंगे सेट बी में सभी एलिमेंट से कहीं ना कहीं जाकर इमेज बनाएंगे बनाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारी संख्याओं को लेकर चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने से खुद से सोच सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट है वो सबसे अगर एरो निकलेगा तो 4x+3 इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो हर एक में जाकर इमेज बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि कोडोमेन रेंज बराबर है, कोडोमेन रेंज बराबर है, इसलिए पता चला कि यह ऑटो फंक्शन हो गया। क्या यहाँ से हम लोग मेन्यूअल चेक कर सकते हैं? तो मेन्यूअल है ही नहीं, क्यों? क्योंकि नोट टू और मोर देन टू एलिमेंट, लेकिन नोट टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू, ऐसा नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं कि नॉट मेन्यूअल, ये मैन्युअल नहीं होगा। और जब मैन्युअल नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? ये वन वन हो जाएगा, यानी कि ये वन वन और टू है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हैंस इट इज इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल है। जब इन्वर्टिबल हमको शो करना था तो इन्वर्टिबल शो कर दिया कि इन्वर्टिबल है, प्रूव कर दिया या प्रूव लिख दिया कि इन्वर्टिबल है। इसके बाद जो हम लोग को काम करना है, इन्वर्टिबल निकालने के बाद इसका इन्वर्स निकालना है, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये चीजें भी दो तीन बार प्रैक्टिस किए। चलिए फिर से इस सवाल को देखते हैं कि इसमें इन्वर्स कैसे निकालते हैं। हमको एफ इन्वर्स भी निकालना है, तो पहले देख लीजिए कि एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है। तो एफ एक्स का वैल्यू सामान्य में दिया है 4x+3। अगर इसके इससे हमको एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है तो हम पहले कुछ ना कुछ मानते हैं, एफ एक्स बराबर वाई माना, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगर इसको इनवर्स लिखना है तो वाई को इधर लाना पड़ेगा, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो एफ एक्स बराबर वाई माना तो यहाँ बनेगा एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स। अगर हम इस इक्वेशन में एफ एक्स की जगह पे वाई पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि हम मान ही लिए हैं कि एफ एक्स जो है वाई के बराबर है, तो अब जो नया इक्वेशन बनेगा वो वाई बराबर 4x+3 बनेगा। और इस इक्वेशन से हमें एक्स का वैल्यू निकालना होता है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 3 इधर आएगा तो y-3 बनेगा, y-3 बराबर 4x, इसलिए x का जो वैल्यू होगा 4 इधर गुणा में है तो भाग में करेंगे y-3/4। अब ये जो x का वैल्यू आया है, ये x किसके बराबर है? इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है x के जगह पे f इनवर्स y है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं f इनवर्स y बराबर y-3/4, यही हो गया इनवर्स का वैल्यू। अब ये बात अलग है कि ये फंक्शन किसमें है, अगर ये इनवर्स x में दिया रहेगा तो इसको रिप्लेस करा लेंगे, y की जगह x डाल लेंगे, तो यहाँ इसका आंसर मिलेगा x-3/4। अगर इसको p में भी रिप्लेस करा सकते हैं, t में भी रिप्लेस करा सकते, किसी भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, तो f इनवर्स का वैल्यू आया y-3/4, या x में बोले तो x-3/4। तो जो सेटअप और आंसर होगा जो दिया हुआ है वो भी सही है, आप अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन में आंसर कर सकते हैं।